नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय किसान एचपी में। आज का जो हमारा वीडियो बन रहा है वो डिस्पेंसर पर बन रहा है, जो मधुमक्खी के पोलिनेशन के लिए एक हम वीडियो बना रहे हैं। तो मेरे वीडियो को प्लीज आप सब अंत तक देखना, और मेरी अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। तो आज का हम कार्य शुरू करते हैं। ये डिस्पेंसर जो बनाया हुआ है, इसका जो साइज रखा है, मैंने पूछा तो किसी को नहीं, पर फिर भी एक मैंने वीडियो देखा, और इसकी जो लंबाई है 9 इंच, ये मैंने 3 इंच रखा, और इसका 2.5 इंच, और इसके इस तरह होल रखा मैंने। इसे मैं बताता हूँ, मैंने इसे ये ले लिए 2.5-3 इंच, 3 इंच 2.5 इंच। ये हमारा बॉक्स तैयार हो गया। इस तरह एक बॉक्स बनाना, आपने कोई बड़ा काम नहीं है इसे, इस तरह आप बॉक्स बना सकते हैं इसे। अब इसको थोड़ा सा साइड से हमने काटना है ताकि मधुमक्खियाँ यहाँ से, जो इनका एंट्री है जो ये है, और वो निकलेगी यहाँ से। इस तरह ये हमारा तैयार हो गया। दोस्तों अगर आपके जो मधुमक्खियों के एंट्री अगर नीचे आपका बिल्कुल साथ में, तब तो आप रहने देना, तब कोई स्पोर्ट नहीं लगा। तो अगर आपका थोड़ा सा होल ऊपर है तो आप हल्की से एक फट्टी लगा सकते हैं, एक हल्की से, ताकि आपका जो पोलन होगा वो आपका यहाँ रहेगा और बाहर ना गिरे। तो मैं एक हल्का सा इसमें लगा लेता हूँ। ये हमारा तैयार हो गया पोलन डिस्पेंसर। अब हमारा यहाँ पर पोलन रहेगा और यहाँ मधुमक्खियाँ निकलेगी बाहर। ये हो गया। इसकी एक बार आप दोबारा से सुन लें, ये 9 इंच के आसपास है, ये 2.5 इंच के आसपास है, ये 2.5 इंच है, ये 3 इंच है, और आपको बेस्ट फटियों से, कोई भी बेस्ट फटियाँ या प्लाई है तो उसका आप एक इस तरह बॉक्स बना सकते हैं। ये पोलन डिस्पेंसर तैयार हो गया। अब इसे हम मैं एक तो मधुमक्खी के वहाँ लगाने के लिए यहाँ मेखियाँ लगा लेता हूँ, जुगाड़ कर लेता हूँ, यहाँ 2 मेखियाँ लगाऊँगा ताकि उसमें स्क्रू लगाए। ये हमारे मित्रों, ये हमारा पोलर डिस्पेंसर तैयार हो गया। अब इसे मधुमक्खी के वहाँ हम लगा सकते हैं, और यहाँ स्क्रू लगा देंगे और ये नहीं हिलेगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो को अंत तक देखना। मैं अब ये फूल लाते हैं हम, और फूलों के साथ हम उसका पराग निकालते हैं। दोस्तों इस तरह आप फूल तोड़ें ताकि अपना जो भी है ये इस तरह वाले, और ये इकट्ठा करना है इस तरह मैंने ये किया। और ये हमारे फूल सारे मिक्स होने चाहिए, जैसे आपका ग्रेनी हो गया, रेड गोल्ड है, गोल्डन है, क्रमशल है, जेनेथन है। तो मैं सभी का पोलन निकालूंगा और मैं सभी को मिक्स कर रहा हूँ। तो मैं आगे आगे कोशिश कर रहा हूँ उन्हें तोड़ने की, इसी तरह थोड़ा थोड़ा तोड़ते रहें।
बंद है ये भी चलेगा, क्योंकि इन्हें भी हम क्या करेंगे, जब जाली पर हम घिसेंगे तो ये नेचुरल इसका जो अंदर वाला पोलन है ये निकलेगा। ये इस तरह देखिए आप, ये पोलन निकलेगा। तो ये बंद वाले मैं सबका ही चला रहा हूँ, इस तरह वाला उनका भी ये, क्योंकि जब जाली पर हम रगड़ेंगे ना तो इसका ये पोलन निकलेगा, ये आप देख सकते हैं। और पोलन बहुत अच्छा है, इसमें साफ पोलन है, इसे निकालेंगे हम। ये गोल्डन है, नीचे हमने पहले निकाले हमने रेड गोल्ड, ये गोल्डन है। इसमें अभी ज़्यादा खिले नहीं हुए तो मैंने थोड़ा सा कमी निकाल रहा हूँ। गोल्डन है ये प्लांट, फूल तो बहुत है, पर इसके हम एक नेक्स्ट वीडियो में और बनाऊंगा गुलदस्ते के लिए। तो मैं इसे गुलदस्ते निकालूंगा एक दो दिन में, तो वो दूसरी वीडियो ज़रूर उसे भी मैं सेंड करूंगा, बनाऊंगा। ये हमारा गोल्डन है, ये ग्रेनी स्मिथ है और ये काफ़ी फूल चुका है, बल्कि अभी गोल्डन वगैरह बहुत कम है। और इसका फूल देखो आप कितना साफ है, बस हाथ से ही तोड़ना है इस तरह फूल आगे, ताकि बीमा थोड़ा कम आए, बीमा कम टूटेगा तो अगले साल के लिए फूल आपके लिए बच जाएगा। मुझे लग रहा है इससे काफी निकलेगा, ज्यादा नहीं तो कम से कम 10-20 ग्राम तो निकल ही जाएगा इससे, 10 ग्राम निकल गया तो बहुत है। अब हम इसे इसका पोलन निकालेंगे जाली पर, तो अब चलते हैं जाली की। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मैंने क्या किया हुआ, एक जाली का टुकड़ा लिया, इसे मैंने इस डिब्बे के अंदर ये रखा। ये आप देख सकते हैं मैंने पोलन काफ़ी हद तक मैंने इकट्ठा कर दिया है, ये आप देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो ये कम से कम मैं अगर ज़्यादा नहीं तो ये एक तोले के आसपास है ये पोलन। और ये मिक्स है, ये गोल्डन है, ग्रेनी है, इसमें कर्मशल है, और बहुत सारे मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है इसमें। और इसे मैं अब क्या करूँगा कि इसे मैं धूप में सुखाऊंगा, लगभग ये दो दिन सुखाऊंगा, बिल्कुल सख्त होना चाहिए, सूख जाना चाहिए, और सूखने के बाद मैं इसे पीसूंगा बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह। जब ये बिल्कुल पाउडर हो जाएगा तो मैं उस डब्बे में डाल करके रखूँगा, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा, लगभग एक एक ग्राम हर रोज़ डालूंगा, या जैसे मुझे लगे कि ये ख़त्म हो गया तो थोड़ी देर बाद दोबारा डालूंगा। तो मधुमक्खियाँ क्या होगी, जब भी वो बाहर निकलेगी या अंदर जाएगी तो उनके नेचुरल उनके पैरों में ये पोलन लगेगा, और वो जाएगी और डायरेक्ट फूलों पर, वो किसी भी फूल पर बैठे, रॉयल, कमर्शियल, गोल्डन, जो भी है, जिस पर भी बैठेगी, वो नेचुरल क्या होगा, उनके पोलन बॉडी में लगा होगा और पॉलिनेशन होगा ही होगा। और इस तरह ये 100% पॉलिनेशन होगा। आपके बगीचों में जो भी डब्बे रखे हुए हैं तो आप उसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और बहुत सारे बाइक कर रहे हैं आप भी करो, ये कुछ नहीं है, हल्का सा जुगाड़े से आप बड़े आराम से कर सकते हैं। मैंने इसी तरह जाली दी और इसे डब्बों को ये कर रहा हूँ। और एक और बात, आपने कभी भी ये ध्यान रखना कि आपने डिस्पेंसर के लिए जो भी आपने पोलन निकालना है तो उसमें स्प्रे ना करें, अगर इसमें थोड़ा भी केमिकल होगा तो वो मधुमक्खियों को, ब्रू को मार देगा, इसलिए ध्यान दें कि आप जो लाएं उसे स्प्रे ही ना करें। और ये पोलिनेशन ऐसी चीज़ है कि ये कई चीज़ें आप पहले फ्लावरिंग आ जाती है, गाला है दूसरे, पर आप मिक्स कर सकते हैं, गाला को भी आप मिक्स कर सकते हैं, जो भी पोलिनेशन है, जरूरी नहीं कि आपका कोई भी पोलिनेशन आप मिक्स कर लो, क्योंकि मिक्स करके कुछ ना कुछ कोई चीज़, कोई ना कोई अच्छी चीज़ उसमें काम करेगा। तो इसी तरह आप इसे इकट्ठा करते रहें,
और ये काम आपका बाकी चीज़ों से आपका आराम वराइटियों में आपका फ्लावरिंग पहले आ जाती है, पर जो आपके इसमें बाद में आती है, रॉयल में आपके बाद में आती है। ये देखो आप, इसे मैं अब एक या दो दिन इसे धूप में सुखाऊंगा, इतना सुखाऊंगा ये बिल्कुल सख्त हो जाएगा। जब ये सख्त हो जाएगा तो इसे मैं फिर उसके बाद मैं इसे पीसूंगा बारीक। जब इसे बारीक पीस करके इसे डब्बे में डालेंगे और मधुमक्खी पोलन का काम करना शुरू कर देगी। दोस्तों ये अब मधुमक्खी का है, अभी तो शाम हो गई है, लेट हो गए हम, मधुमक्खियाँ अब नहीं निकल रही हैं। तो आपने ये क्या करना है, ये बॉक्स जो लगाना है आपने, ये मधुमक्खी का इस कोने में लगाना है, इस साइड पर या किसी भी साइड पर। मधुमक्खियाँ क्या होगी कि आपकी मधुमक्खी निकलेगी और यहाँ आपका पोलन गिरा होगा जैसा पाउडर होगा, जो यहाँ आएगी तो वो यहाँ से रेंगती हुई बाहर निकलेगी और उसके पंखों में बॉडी में लगेगा। आप ये देखते ये इस तरह लगाएं, ये मैं लगा चुका हूँ और मैं इसे स्क्रू लगा दूंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं अब मैंने इसे बिल्कुल पक्का कर दिया, टाइट कर दिया है, इसे ये करके जुगाड़ करके। अब मधुमक्खी यहाँ से आएगी, इस पोर्शन से आएगी, वो यहाँ से आकर के यहाँ निकलेगी और यहाँ से आएगी बाहर। तो यहाँ नेचुरल क्या होगा, जब वो पैदल आएगी तो रेंगते हुए उनकी बॉडी में पोलन लग जाएगा और वो जब किसी पेड़ पर जाएगी वहाँ पोलिनेशन होगा ही होगा। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा करके मेरी वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत कीमती है दोस्तों। और अब मिलते हैं हम कोई नेक्स्ट वीडियो दे के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।